नाज़रीन पूरेवर की तरह पोंच में भी ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जा रहा है। इस सिलसिला में आज महकमा ICDS और महकमा सेहत के बाहमी इश्तराक से एक बेदारी कैंप का अहतमाम मंडी के सदर मुकाम पर किया गया, जिसमें आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी कारकुनान और हेल्परान के अलावा मुअज़्ज़िज़ शहरियों और दीगर अवाम ने भारी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर माहिरीन ने माँ के दूध की अहमियत अफादियत से अवाम को रोशनास किया। इस दौरान मजीद क्या दरखास्त देखते हैं मंडी से पुंछ विजन चैनल के नुमाइंदा सही का पा चाचा की ये रिपोर्ट। आज का टॉपिक है या जो ब्रेस्ट फीडिंग का, क्या महसूस हुई, क्या ब्रेस्ट फीडिंग पहले नहीं होती थी, पहले बच्चों को माँ दूध नहीं दिलाती थी, जो भी चलना पड़ता था, जो इम्यून सिस्टम है वो आज तक इतना वीक है कि जब भी कोई वायरल फीवर आता है, वायरल डिजीज आती है या किसी भी किस्म की, जो जब ये सीजन चेंज उसके एवज में 1996 में मेरे घर में बेटी हुई, हमने किसी की परवाह नहीं की, तो हमने जन्म के बाद ही उसको को किसी किस्म का, जो जितनी भी वायरल ये बीमारियां होती है किसी का इफेक्ट नहीं होता। ये सेल्फ एक्सपीरियंस है, मेरा अपना तजुर्बा है, बाद में हमें भी जो है वो जानकारी हुई, हमें भी इस बात का, हमने भी ये तीसरे दिन, दूसरे दिन या पांचवें दिन, उससे पहले बच्चे को दूध नहीं देने देते थे, उस वजह से जो है वो इमीडिएटली जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग देनी चाहिए। और जैसा कि हॉर्टिकल्चर अफसर साहब ने कहा कि अपनी सफाई का भी, उसके बाद हम बच्चे को एक्स्ट्रा जो है डाइट दे सकते हैं खाने के लिए, जैसे दलिया खीर दे सकते हैं, जूस दे सकते हैं, फ्रूट भी जो है वो मैश करके दे सकते हैं। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते बच्चा जब 10 महीने का हो जाता है, 12 महीने का हो जाता है, फिर धीरे धीरे उसको माँ ने क्या करना है कि अपने साथ ही खाना खिलाना है, जो खाना माँ खा रही है वही खाना थोड़ा थोड़ा क्या करेगा, बच्चा खाएगा, तो बच्चा जो है वो उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, अच्छा तेज दिमाग होता है उसका जो बच्चा माँ का दूध पीता है। तो उसके बाद वाटर जो है बिल्कुल अपने अपने बताना है, अपनी माँ का दूध बनाना है। कई माएँ कहती हैं कि दूध है ही नहीं है, मतलब कि दूध होता है बट उनको पता ही नहीं है कि, फ्री होके बच्चे को अपने गोद में लेगी और अपने पूरा ध्यान देगी कि मैं बच्चे को दूध पिला रही हूँ, दूध उतर जाता है। ऐसी बकरी है उनमें कभी ऐसा होता है कि किसी गाय में दूध नहीं होता या बकरी में दूध नहीं होता या भैंस में, सबका दूध होता है। बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ दूध भी होता है, हम जो है ये चल रहा है, बच्चा पैदा होता है तो उसका दूध भी साथ ही होता है, तो वही पहला दूध जो गाढ़ा दूध है इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, इस होता है। तो हर एक माँ को आपने यही कहना है कि बच्चे को दूध जब पिलाना है वो फ्री होके बैठ के आराम से बच्चे को दूध पिलाए, ना ही करते, कई माएँ ऐसा करती हैं कि काम करते करते भी बच्चे वो भी प्रॉपर तरीके से बच्चा दूध पी भी नहीं सकता, और माँ सोचती है कि बच्चे ने दूध पी लिया, लेकिन बच्चे का दूध क्या कई बार ऐसा होता है कि लीक होता है, वो बच्चे के कान में भी चला जाता है। वीक है, इसमें हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट भी एक्टिव है और ICDS वाले भी इसको मना रहे हैं, क्योंकि हमारा ये मिला जुला प्रोग्राम है और जितनी भी डिलीवर होती हैं हम चाहते हैं कि वो डिलीवरी के फौरन बाद, यानी आधे घंटे बाद, एक घंटे बाद अपने बच्चे को अपना ही दूध पिलाएं, और जो माँ का अपना दूध है ये हर तरीके से सेफ है और इसका बच्चे को बहुत फ़ायदा होता है, और जो बाहर का हम दूध पिलाते हैं वो उतना अच्छा नहीं रहता है, और बाहर के दूध पिलाने से इन्फेक्शन के बड़े चांसेस होते हैं और इम्यूनिटी जो बच्चे की है वो भी कम हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि एक तो माँ का दूध जो है बच्चे के लिए बेहतरीन है, और दूसरा एक इसमें पैसे का भी बड़ा फर्क पड़ जाता है कि आप खरीद के जो दूध पिलाएंगे, कुछ गरीब लोग हैं जो खरीद ही नहीं सकते हैं, और माँ का दूध ज़ाया होता रहता है और बाहर से वो खरीदने की कोशिश करते हैं और कुछ अर्सा खरीदते हैं, बाद में खरीद ही नहीं सकते, तो बच्चा धीरे धीरे कमज़ोर होता रहता है। इसे हम कहते हैं कि जो अल्लाह ने आपको एक तोहफा दिया है उसको आप इस्तेमाल कीजिए, और माँ अपने दूध बच्चे को पिलाए, ये हर तरीके से बच्चे के लिए मुफीद होता है। ये हमारा होल
ब्रेस्ट फीडिंग जो हफ्ता चल रहा है इसमें हमारा ICDS मंडी का जो है 2-3 दिन से यही प्रोग्राम चलता है, तो एक हफ्ता हम ये प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम दूध पिलाने वाली माएँ जो हैं वो बच्चों की सफाई का कैसे ख्याल रखेंगी और एक बच्चे को दूध, माँ का दूध कितना ज़रूरी है उसके मतलब जो है आज यहाँ BMO साहब थे, हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, BDO तहसीलदार साहब और काफ़ी ऑफिसर जो थे हमने आज बुलाए यहाँ, बुला के ये बहुत बड़ा प्रोग्राम हमने यहाँ रखा जिसमें हमारा 200 से 250 तक की जो लेडीज़ थी वो आई और इस प्रोग्राम में शमूलियत की। हमारा मकसद जो है वो ये है कि ये ब्रेस्ट फीडिंग का जो हफ्ता हम मना रहे हैं इसका मकसद ये है कि हर उस गाँव तक ये चीज़ पहुँचे कि माँ का दूध बच्चे के लिए कितना ज़रूरी है। We'll be right back.